केरल राज्य से एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया है। ये खबर सुनकर आपका भी इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। केरल में कुछ दिन पहले गर्भवती हथिनी की पानी में खड़े खड़े मौत हो गई। दरअसल कुछ दिन पहले उसे किसी ने अनानास खिलाए थे, जिसके अंदर दिवाली में जलाए जाने वाले फटाके और अनार भी भरे थे, जिसे खाने के बाद उस हथिनी के मुँह पर फटाके फूटने लगे, जिससे हथिनी का मुंह पूरी तरह जल गया। दर्द से राहत पाने के लिए वो पानी में काफ़ी देर तक खड़ी रही और अंत में उसकी खड़े खड़े ही दर्दनाक मौत हो गई। सोशल मीडिया में इस घटना की खूब चर्चा होती दिख रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह हथिनी पानी पर अपनी दर्द को काबू करने के लिए खड़ी हुई है। कुछ लोग उसे पत्थर मारकर हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अफसोस वो जस की तस खड़ी है। ये वीडियो दिल दहला देने वाली है। आखिर क्यों इस बेजुबान जानवरों के साथ इंसान ने ऐसी हरकत की? क्या अब हमारे बीच इंसानियत नहीं रही? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि मौत के बाद हथिनी को दो हाथी के सहारे पानी से बाहर निकाला गया और बताया गया है कि इस घटना की पूरी तरह जाँच शुरू कर दी गई है। Then we were told to see, wait and watch and see how the, you know, how the animal behaves and all. So then we came to today. So we were, what we had planned was if we can drive the animal out using kumkis, we'll bring him to safe spot and we'll get him examined and all. Anyways, we have very little hope of reviving actually the animal because it has not been eating for so many days now. So yeah, all you see, saw it before we could take the animal out, the animal had collapsed. And I maybe, you know, we hope it was a peaceful death in the sense for the elephant. So that is all what I have to say. Now it will be put for two doctors are here. They'll do a postmortem and check. न्यूज को फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी